जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने फोरआर्म्स को बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर एक, बिहाइंड बैक रिस्ट कर्ल। यह एक्सरसाइज फोरआर्म्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको मोटे बारबेल का यूज करना है। इसे करने के लिए बारबेल को अपने ग्लूटस के पीछे इस प्रकार पकड़ना है, जैसे दिखाया गया है। इसे पकड़ने के बाद धीरे धीरे अपनी कलाई को कर्ल करें। ध्यान रहे, इस एक्सरसाइज को करते समय सिर्फ अपनी कलाई ही मूव करनी चाहिए, ना कि पूरी बॉडी। इस एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट्स करने हैं और हर सेट्स में 10 से 15 रेप्स लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर दो, नीलिंग रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले घुटनों के बल बैठना है और फिर अपने हाथों को बेंच पर थोड़ा बाहर की ओर रखें। अब बारबेल को ऊपर की ओर कर्ल करें और 1-2 सेकंड तक होल्ड करें, फिर नीचे की ओर करें। ध्यान रहे, इस एक्सरसाइज को करते समय आपकी कलाई ही मूव करनी चाहिए, अपने हाथ को मूव नहीं कराना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 से 4 सेट्स करने हैं और हर सेट्स में 10 से 15 रेप्स लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर थ्री, रिवर्स रिस्ट कर्ल। सबसे पहले आप घुटनों के बल बैठ जाएं। अब हथेली को ऊपर रखते हुए एक निचली बेंच पर अपने एक हाथ को रखें। हाथों में एक डंबल को पकड़ें और हाथों को बिना अपनी जगह हिलाए कलाइयों की ताकत से डंबल को ऊपर और नीचे की ओर मूव करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपके फोरआर्म्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इसके भी आपको 3 से 4 सेट्स करने हैं और हर सेट्स में 10 से 15 रेप्स लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर फोर, सीटेड बारबेल रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले एक बेंच पर बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों में एक बारबेल लेना है। इस बारबेल को अपनी कलाइयों से ऊपर नीचे की ओर मूव करना है, बिना अपने हाथों को हिलाए सिर्फ कलाइयों से ही मूव करना है। इस एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट्स करने हैं और हर सेट्स में 10 से 15 रेप्स लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर फाइव, रिवर्स केबल कर्ल। यह एक्सरसाइज फोरआर्म्स के साथ साथ आपके बाइसेप्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को कुछ इस प्रकार परफॉर्म करना है। ध्यान रहे, बार को ऊपर की तरफ खींचते हुए 1-2 सेकंड तक होल्ड रखें और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करें। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 से 4 सेट्स करने हैं और हर सेट्स में 10 से 15 रेप्स लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर सिक्स, डेड हैंग। इस एक्सरसाइज को आप जिम या घर दोनों जगह पर कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले पुलअप बार को पकड़ें। ध्यान रहे, पुलअप बार इतना ऊंचा हो कि आपके पैर धरती से टच ना हो। इस एक्सरसाइज को आप जितनी देर करना चाहे आप इसे कर सकते हैं। यह आपके बैक और फोरआर्म्स दोनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दोस्तों वीडियो कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।